सुना सुना रहा सांगानेर कस्बा, ग्रामीण रहे गांव बाहर। सांगानेर में बिल्कुल शांति है और शांति थी और शांति से सारी व्यवस्थाएं सारे आयोजन होते आ रहे हैं, लेकिन ये गणेश पंडाल पे कार्यक्रम में पत्थरबाजी करने से पूरे गांव की शांति बिगड़ गई और असामाजिक तत्वों ने जो माहौल खराब किया उससे पूरे गांव आहत है। बचपन से सांगानेर की स्थिति देख रहा हूँ, इन लोगों ने हर बार प्रयास किया है कि यहाँ का सांगानेर का माहौल बिगड़े, और जब भी हमारा कोई उत्सव होता है कुछ न कुछ ये उपद्रव करते हैं। प्रशासन इसके ऊपर सख्ती करे और जो अपराधी हैं उनको समय उनके ऊपर नकेल बराबर रखे। हम महिलाएं, सभी महिलाएं यही चाहती है कि हिंदू समाज के जब भी त्योहार आते हैं तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, और अनुरोध करते हैं प्रशासन से और राज्य सरकार से कि हमारे त्योहार बार को शांति पूर्वक बनाए रखे और चलाते रहे। गणेश पंडाल पर पथराव की घटना के विरोध में ग्रामीण रहे गांव के बाहर। शहर से जुड़े उपनगर सांगानेर कस्बे में शनिवार रात को गणेश महोत्सव के दौरान पंडाल में हुए पथराव को लेकर आज ग्रामीणों का विरोध देखा गया। घटना के विरोध में आयोजन समिति ने सुभाष नगर थाने में मामला भी दर्ज कराया। इसी घटना को लेकर आज कस्बे के क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं हजारों की संख्या में ग्रामीण कस्बे के बाहर काली डूंगरी पर स्थित गौशाला पर एकत्रित हुए, जहां गांव वाले भजन कीर्तन करते नजर आए। सभी ने सामूहिक रूप से भोजन की व्यवस्था भी की। ग्रामीणों का कहना था कि लगभग 20 साल पहले भी इस तरह घटना होने पर धर्म विशेष को छोड़कर सभी ग्रामीण गांव बाहर आए और विरोध प्रदर्शन किया, उस समय उनकी जीत हुई। सर्व समाज से जुड़े ग्रामीणों ने SDM AN सोमनाथ व पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर विश्नोई को सौंपे गए ज्ञापन में मांग रखी कि धर्म विशेष के आज 12 उपात पर निकलने वाले जुलूस का रास्ता बदला जाए व मंदिरों के सामने से न निकले। उधर आज 12 वफात के अवसर पर धर्म विशेष के लोगों ने जुलूस भी निकाला और समाज के सभी लोग उसमें शामिल भी हुए। खैर, कुछ वर्षों से शांत सांगानेर में इस तरह की घटनाओं ने एक नई हलचल पैदा कर दी। सांगानेर से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी। हाल ही में जाजपुर में जो घटना हुई थी, जाजपुर में एक धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी का जो घटनाक्रम रहा, उसी के दिन सेम उसी दिन सांगानेर भिलोड़ा से मात्र 4 किलोमीटर दूर सांगानेर कस्बा है, सांगानेर कस्बे में भी गणपति का जो पंडाल सजा हुआ था, गणपति के पंडाल के ऊपर पत्थरबाजी की गई। आज गांव वालों का विरोध आप पीछे देख पा रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। आज उन गांव वालों से बात करते हैं क्या कुछ मामला रहा है। सर, क्या कुछ मामला रहा है आप बताएंगे? मैं पार्षद प्रत्याशी बोल रही हूँ। मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि जब हम उनके धर्म का कोई विरोध नहीं करते, उनका जुलूस हमारे मोहल्ले में आता है, हम कुछ भी उनसे छेड़खानी नहीं करते, हमारे धर्म के ऊपर वो क्यों उंगली उठाते हैं? अभी 2-5 दिन पहले जाजपुर में भी एक घटना हुई, उन्होंने पत्थरबाजी की थी, और अभी कल रात को भी गणेश जी का पंडाल सजा हुआ तो उन्होंने पत्थर मार के और गुमशुदा हो गए थे। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते थे, हम उनके धर्म पे कोई भी आग नहीं आने दे रहे, कोई भी उंगली नहीं उठा रहे, तो हमारे धर्म के ऊपर भी उनका कोई अधिकार नहीं है, और अगर ऐसे करेंगे तो हम इसीलिए आज यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। उनके जो आज 12 वफात है उनके धर्म के विरोध में यहाँ पे इकट्ठे हुए हुई है, और सरकार को इस पे आगे कदम उठाना चाहिए, नहीं तो हम जनता बहुत ज्यादा आगे कदम उठा के फिर जो हम देखेंगे क्या होगा। जो आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि आज हिंदू समाज उग्र नहीं हुआ है, क्योंकि उनको चेतावनी दी जा रही है कि हमारे जो भी हमारे धर्म के जो भी त्योहार आते हैं वो जानबूझ के हमारे को उकसाने के लिए छोटे मोटे पत्थर फेंकते हैं, और वो चाहते हैं कि आंदोलन उग्र हो जाए, उनके त्योहार बंद हो जाए। तो हिंदू समाज अभी उग्र नहीं हुआ है, ये हमारी सहनशीलता है जो हम सह रहे अब तक, लेकिन हम ये लास्ट सहनशीलता है, इसके बाद आंदोलन उग्र होगा, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और केंद्र सरकार राज्य सरकार होगी। हम चाहते हैं उनपे कड़ी कार्रवाई करें, और जो भी उनके जो जुलूस हमारे इधर आते हैं जिनका एक भी मकान नहीं है तो उनके जुलूस हमारे इधर नहीं आने चाहिए, हम भी उनके इधर नहीं जाते हैं। तो हम चाहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो और जो भी उसका रास्ता है बदला जाए, नहीं बदला जाएगा तो हिंदू समाज उग्र होने के लिए तैयार है। पहले पूर्व में ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ था जिसके बारे में अभी आप बता रहे थे? पूर्व में हम लोग प्रभात फेरी निकालते थे जो पूरे गांव के अलग अलग दिन हर गलियों में जाती थी, और इन लोगों ने उस प्रभात फेरी का विरोध किया, तो उस प्रभात फेरी का विरोध किया तो हम लोगों ने प्रभात फेरी के लिए समझौता हुआ था, उसके लिए हम लोग उस समय भी हमने गांव खाली किया था आज के 30 साल पहले, और सारा गांव यहाँ एकत्र हुआ। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हर बार हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, और उस समय भी हिंदू समाज ने यहाँ विरोध किया था जो इनका मोहरम था,
मुहर्रम था और ये लोग जानबूझ के हम लोगों को छेड़ते हैं, हम लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से गांव खाली करके इकट्ठे हुए और उस समय जो हमें परिणाम मिला उसका कि हमारे जो मंदिर है बड़ा मंदिर उसके से उसके नीचे से इनका निकलना बंद हो गया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हिंदू गलियां हैं उनमें इनका एक भी परिवार नहीं रहता है, तो ये भी हमारे उनके जो त्यौहार है हमारे इधर नहीं निकले। हम ये चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि हमारे भी मोहल्लों से इनको नहीं निकलने दिया जाए। और सरकार को हमने मांग रख दी है, समय कम होने उन्होंने 18 तारीख तक इसका निदान मिलने के लिए कहा है, हमारे को आश्वासन दिया है और इसी कारण हम लोग आज यहाँ गाँव छोड़ के खाली करके यहाँ आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सब लोग कीर्तन भजन भाव कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं यहाँ के और ये घटनाक्रम बार बार हो रहा है, इस तरीके आपके सांगानेर में जो ये अराजकता फैलाई जा रही है, आपका क्या कहना है? ये अराजकता इसलिए फैलाई जाती है कि हिंदू समाज को ये त्योहार में उनका खलल पड़े और वो उनका आर्थिक नुकसान कैसे हो, ये उन लोगों का माइंड सेट दिया करेगा भी इनको परेशान करो किसी न किसी तरह से, किसी भी बहाने से इन हिंदू समाज को इनकी भावना बहुत कह दी है। बात हो गई या तो उनसे लड़ाई करेंगे या ये गांव छोड़ के जाएंगे, उन्होंने ये लक्ष्य बना रखा है इन लोगों को टारगेट करने के लिए। और इस घटना से जो अब लगातार जो घटनाक्रम चली आ रही है, हम कब तक सहन करेंगे? विनय ने माने जल्दी जल्दी बीत गए 3 दिन, तो वो जो राम जी ने कहा था वो यहाँ पे सत्य हो रहा था, अब हम कब तक सहन करें? आखिर हमें भी भाई भी पीड़ित में कुछ तो दिखाना पड़ेगा इनको। पूर्व में भी इस तरह के मामले काफी, पूर्व में जब इनका जो मोहरम हमारे जो भगवान चार भुजा नाथ है उनके नीचे होकर निकलता था, उस समय भी हमारे हिंदू समाज ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और उसमें हम सफल हुए। और जैसे आज आए हैं वो 20 साल पहले भी ऐसे ही गांव को हम बाहर उनका त्योहार का बहिष्कार करके यहाँ पे आए थे, उसमें हमें हिंदुओं के योगदान से सभी के योगदान से हमें विजयश्री मिली। हमें आशा है प्रशासन हमारी बात सुनेगा, क्योंकि उनका कोई घर नहीं है, उनकी कोई इधर कोई धार्मिक पूजा स्थल नहीं, तो वो हमारे इधर क्यों आते? हमारा यही मांग है, हम उधर नहीं जाते तो वो भी इधर आना बंद हो और प्रशासन और जो गवर्नमेंट है वो हमारी भावना को सम्मान करे। तो ये थे हमारे साथ सांगानेर की जनता, जिनका कहना है कि ये जो आज इन्होंने पूरे गांव ने एक साथ सामूहिक बहिष्कार किया है वो कहीं न कहीं इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बाद आज इन्होंने ये निर्णय लिया। यही निर्णय आज से लगभग 20 साल पहले भी पूरे गांव ने सामूहिक रूप से लिया था और उस समय भी इसी तरह सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के बाद गाँव वालों की जीत हुई थी। और समाज ने जो निर्णय लिया है एक साथ रह करके आज लगभग दोपहर 2 बजे तक एक साथ यही रहेंगे, पूरे गांव ने बहिष्कार किया है, उनका जुलूस निकल रहा था, जुलूस का बहिष्कार करते हुए पूरे ग्रामीण आज इकट्ठे हुए हैं और एक साथ भजन कीर्तन करके पूरा सामूहिक भोज यहां कर रहे हैं। बिलवाड़ा से नवार समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।